दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। गिद्ध कहाँ गए? दोस्तों जमीन पर रेंगने वाले कीड़े से लेकर आसमान में उड़ने वाले पंछी तक भले ही आपको बेवजह लगे, लेकिन प्रकृति ने इन सभी को किसी न किसी कारण से बनाया है। ये सभी हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है और प्रकृति में इनका कोई ना कोई योगदान जरूर है। यदि हमारी इस लाइफ साइकिल में जब हम चलते हैं और इसी लाइफ साइकिल का एक अहम हिस्सा गिद्ध है। जी हाँ, वही गिद्ध जो अगर ना होता तो हमारी पृथ्वी कब का खत्म हो चुकी होती। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि भारत से गिद्ध कहाँ चले गए, क्यों नहीं नजर आते गिद्ध। एक वक्त था जब भारत में गिद्ध के बड़े बड़े झुंड नजर आते थे, लेकिन अब उन्हें ढूंढने जाओ तब भी नजर नहीं आते। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये मांसाहारी पक्षी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, जो अपने खाने के लिए माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भरते हैं ताकि एक बड़े क्षेत्र पर नजर डाली जा सके। और अपनी इस उड़ान के दौरान इन्हें कोई भी सरहद नहीं रोक सकती। हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जहां दूसरे परिंदे मर जाते हैं, वहीं गिद्ध बड़े ही शानदार तरीके से उड़ने में कामयाब होते हैं। वैसे क्या आपको मालूम है, तुर्की के गिद्ध अपने पैरों में पेशाब करते हैं। जी हाँ, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो ये पता चला कि गिद्ध सड़े गले मांस खाकर खड़े होने के कारण गैरों पर इन्फेक्शन ना हो, इसलिए अपने ही पैरों पर पेशाब करके उस इन्फेक्शन से खुद को बचाते हैं। अब आप सोचेंगे भला पेशाब से इन्फेक्शन कैसे बचा सकते हैं, तो दोस्तों यूरिन के अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो केवल गिद्ध नहीं बल्कि हम इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। इसी वजह से आप लोगों ने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि आजकल तो कोई कटे पर पेशाब भी नहीं करता। ये पेशाब वाली कहावत इसीलिए सुनाई जाती है क्योंकि जब इंसान को पहले के समय में घाव लग जाता था तो लोग उसके ऊपर पेशाब करके उस घाव पर एंटीसेप्टिक लगाते थे, लेकिन अब तो हमारे पास इतनी सारी दवाइयां हो गई है, हमें इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेचारे जानवर और पक्षियों के पास अभी कोई दवाई नहीं है, इसलिए उन्हें इसी तरह से देसी उपचार करके खुद को ठीक करना पड़ता है, और गिद्ध इसी तरह से अपने पैरों को सड़ने से बचाते हैं। और दोस्तों अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इनकी पाचन क्रिया काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है, जो अगर चाहे तो हड्डी तक को पचा सकते हैं। और तो और गिद्ध की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जो अपनी डाइट से 70-80% हड्डियों को भी शामिल करके पोषक तत्व हासिल करता है, जो कि किसी और जानवर के लिए करना नामुमकिन है क्योंकि हड्डियों में पोषण होता है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन उनसे पोषण हासिल करना और उन्हें पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये कारनामा सिर्फ गिद्ध ही कर सकते हैं। गिद्ध के पेट में मौजूद एसिड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये हैजा जैसे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि गिद्ध मरे हुए मवेशी को मिनटों में खाकर वातावरण को साफ बनाए रखता है, क्योंकि मांसाहारी जानवरों का काम जानवर को मारकर उसका ताजा मांस खाना होता है। लेकिन गिद्ध सड़े गले मांस को भी बड़े आराम से हजम कर लेते हैं, इसी वजह से इनके कारण स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी बनी रहती है और कहीं से कोई गंदगी नहीं फैलती। आप कल्पना कीजिए अगर गिद्ध ना होते जो जानवरों के सड़े गले मांस कितने ज्यादा पोल्यूशन फैलाते। लेकिन इनकी मेहरबानी से आज धरती पर पाए जाने वाला पोल्यूशन भले ही बहुत ज्यादा है, परंतु अगर ये पक्षी ना होते तो पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाता कि हम सांस भी ना ले पाते और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती, जो कि हमें भविष्य में पड़ने ही वाली है क्योंकि हमारी प्रकृति का ख्याल रखने वाले गिद्ध अब गायब होते जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये पक्षी नजर क्यों नहीं आते, ये कहाँ चले गए। दोस्तों साल 1990 के पहले वाले भारत में गिद्धों की संख्या करीबन 4 करोड़ थी, लेकिन अब गिद्धों की संख्या में 95% तक की कमी आ गई है, और ये हालात केवल भारत में नहीं बल्कि नेपाल, पाकिस्तान और अफ्रीका में देखने को मिल रहा है, जिस पर रिसर्च करने पर मालूम हुआ कि पालतू पशुओं में इस्तेमाल हो रही दवाइयां गिद्धों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। असल में ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनिक नाम की ये दो दवाइयां गिद्धों का खात्मा कर रही है,
ऑक्सीटोसिन पशुओं का दूध निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डाइक्लोफेनिक पशुओं में दर्द व सूजन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसे इलाज के दौरान जब किसी पशु की जान नहीं बच पाती तो वो मर जाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है और उसे गिद्ध खाते हैं। बीमार मरे हुए पशुओं के शरीर को खाने पर जब ये दवाई गिद्धों के शरीर में पहुंचती है तो ये दोनों ही दवाइयां अलग अलग तरीके से गिद्धों पर रिएक्ट करती है। ऑक्सीटोसिन गिद्धों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालती है और उनको बांझ बनाती है, जिसकी वजह से गिद्ध संबंध तो बनाते हैं लेकिन अंडे नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनकी जनरेशन बर्बाद होती चली जा रही है। और अगर डाइक्लोफेनिक की बात करें तो ये बहुत ही मशहूर दवा है जिसके कारण गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है, और क्योंकि ये गिद्धों की यूरिनरी सिस्टम पर प्रभावित होती है और गिद्धों की किडनी फेल हो जाने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाती है। जब ये रिसर्च सामने आई तब जाकर पता चला कि इनके करोड़ों की संख्या हजारों में कैसे आ गई। तब सरकार की आंख खुली और फिर संरक्षण का काम शुरू किया गया। कई सारी संस्थाओं ने वॉलंटियर किया क्योंकि सभी को पता है कि ये पक्षी हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है, जो घंटों का काम मिनटों में करके सड़ा गला मांस खाकर वातावरण से बीमारियों को फैलने से रोकते हैं और हमें महामारी से बचाते हैं। पर जब तक संरक्षण का काम अपनी तेजी पकड़ता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इन दोनों दवाइयों ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से आज भारत में गिद्ध बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि गिद्ध हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है। अब आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताएं। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।